आग नहीं जली हुई, पूरा घर जला हुआ है साहब, पूरा घर जला हुआ है। बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो, बस ये लेना देना। सलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। कितने लोग थे उस डीजे में, वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था, मतलब आपको क्या लगता है आप लोकल के हैं? हाँ, डीजे पे वो तेल लगा दो, बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है वही पे। 300 रुपये का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे साथ। आग जली हुई है? आग नहीं जली हुई, पूरा घर जला हुआ है साहब, पूरा घर जला हुआ है। बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो, पूरा घर जला हुआ है। दो दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मार मारे है साहब, हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया। हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब, न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है। बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। सलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते कोई, कुछ नहीं रह गया साहब। दुनिया जल गई हमारी, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपये का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे साथ में। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया। ये मेरे बच्चे हैं, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? धकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वह मुझे मार देते। क्या करते हैं आप? क्या साहब, बाजार बाजार सब्जी बेचता हूँ, कभी इतनी कभी उतनी। वह मास्टर डॉक्टर नहीं हूँ साहब, कैसे भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना। लेकिन मान सम्मान कोई भी होता है सर, मैं सबको बराबर देता हूँ, वो किसी भी कास्ट का हो, दलित हो या कोई हो। सब जल गई, बच्चों की किताब, बच्चों की किताब है ये सब। मोटरसाइकिलें जली हैं और हमने पड़ोसी के ट्रैक्टर वोटर जल गया है, पूरा घर जला हुआ है। बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो, दो दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मार मारे है साहब, कोई गलती नहीं भैया। हम लोग उस गाँव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। देखिए, बहराइच का रामपुरवा चौराहा है और जहाँ पर ये चीज़ें अभी ख़राब हुई हैं, जहाँ पर भी ये सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी यहाँ पर भारी बैरिकेटिंग है, इससे पहले भी हमें कई जगह पुलिस ने रोका, अभी भी यहाँ पर बैरिकेटिंग है। पुलिस अंदर आम लोगों का तो जाने का सवाल ही नहीं होता, मीडिया के लोगों को भी रोका जा रहा है, बाकी लोगों को जो वाहन है उनको भी रोका जा रहा है। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उसका जो असर है वो यहाँ पर भी देखा गया है पूरी तरह से। यहाँ जो मार्केट है वो बंद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ एक बाइक को पूरी तरह जलाया गया है।